इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में रोडवेज की बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के आमने सामने की भीषण टक्कर में बस में सवार दो बच्चों की मौत हो गई और 12 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें बहराइच मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए लाया गया, जहां दो लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। बहराइच के थाना प्यागपुर क्षेत्र के कुठेना के पास गोंडा से बहराइच की तरफ आ रही रोडवेज बस और गोंडा की तरफ जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का एक साइड पूरा उखड़ गया और बस में बैठे यात्री बुरी तरह घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बहराइच मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भिजवाया, जहां दो बच्चों की मौत हो गई और लगभग 12 लोग बुरी तरह घायल थे, जिनका इलाज किया जा रहा है। उनमें से दो लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। हाईवे पे किस तरीके का मामला है और कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई? एक रोडवेज बस जो कि गोंडा से बहराइच की तरफ आ रही थी और एक ट्रैक्टर जो ट्राली के साथ था और ये जा रहा था कुटैना की तरफ, बहराइच से कुटैना की तरफ जा रहा था, उन दोनों को आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें बस में सवार 12 लोग घायल हुए हैं और उनके साथ बच्चे थे। एक शिवम नाम का बच्चा है, करीब 7-8 साल का, वो एक्सपायर हुआ है। एक छोटी बच्ची है करीब 1.25 साल की, सना नाम की, वो एक्सपायर हुई। दो बच्चे एक्सपायर हुए हैं और शेष लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ और अधिक खतरे की, अन्य लोगों के खतरे की बात नहीं है। मैम, आज आप द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, किस लिए निरीक्षण किया गया, क्या कहना चाहेंगे? आज एक वाहन दुर्घटना हुई थी, पयागपुर में कुटैना एक जगह है, वहाँ पर एक रोडवेज की बस थी और ट्रैक्टर था, उनके आपस में टक्कर लगने से ये वाहन दुर्घटना हुई थी। मेरे द्वारा और एसपी साहब द्वारा जो है आज जिला अस्पताल में यहाँ पर जो भी घायल थे और जो भी मृतक हैं तो वहाँ पर भ्रमण किया गया। इसमें से दो जो हैं वो जनपद गोंडा के हैं और दो बच्चे हैं, और दो जो मृतक हुए हैं वो जनपद बहराइच के हैं। बाकी तीन लोग जो एडमिट हैं उनके इलाज के बारे में विशेष रूप से यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की, उनके इलाज में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे रोडवेज के माध्यम से उन्हें जो धनराशि मिलनी है, मृतक को 7.5 लाख रुपए और जो छोटे बच्चों को 2.5 लाख रुपए, उनके प्रपत्र तैयार करवा जाए, उन्हें धनराशि दी जाए। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।